कल दिखाए गए न्यूज का असर एक के बजाय दो दो गाड़ियां वेस्ट को उठाने के लिए आई, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जो पीपी किट इतना थाक बना के रखा है पॉलिथीन में और खुला भी है, आप लोगों को क्या डरने लगता है? इससे डर लगता है, सबको प्रॉब्लम भी होता है, चलने में प्रॉब्लम होता है ना, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है यहाँ पर। कभी भी ऐसे बात पे समाज को आगे खड़ा होना चाहिए। समाज किस लिए होता है, सोसाइटी किस लिए होता है, हर किसी का मदद करने होता है। ये नहीं आज आप बच के चले गया तो दूसरे लोग उसी रास्ते से नहीं जाएगा। आपको जितना तकलीफ हो रहा है दूसरे को भी इतना ही होता है। लेकिन ये कितने दिन से दिन से ये हो गया होगा, 2 महीना जितना हो गया होगा। पहले थोड़ा थोड़ा था, अभी थोड़ा सा ये है ना, ये खाली नहीं है, अंदर ही था। ये खाली नहीं है, इसके पीछे आप बैक साइड पे जाओ, इतना गंदा पड़ा हुआ है, आप इमेजिन भी नहीं। हॉस्पिटल के आगे कभी भी इतना नहीं होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में हम अच्छी तरह केयर नहीं कर पाएंगे तो बाहर क्या क्या करेंगे? और आप मास्क के बारे में बोलते हो मुझको, मेरे को मास्क नहीं पहनने से अगर कोई मेरे को क्वेश्चन करेगा तो रात को आप 8 बजे के बाद हॉस्पिटल के आगे आओ, खुलेआम सब कुछ होता है। कोई मास्क नहीं पहनता है, किसी का केयर नहीं है, कौन सा दुकान कितने बजे बंद कर रहा है वो भी केयर नहीं है। अब हम लोग बोलेंगे तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, जावा यहाँ का रूल तुमको पता नहीं है बोलते। रूल तो एक ही है, सोसाइटी तो सोसाइटी होता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अच्छा, दिन में यहाँ ऑर्डर है ना, ऑर्डर में कितना पेशेंट आता है, जैसे बच्चा लोग आता है, बड़े आता है ना, यहाँ से चलता है। देखिए तो एक कोविड का ये सब भी पैकेट सब इधर तक है, 2 महीना हो गया। सुनिए, ये कहाँ रहते हैं आप लोग? हम यहीं पे दुकान में रहते हैं। अच्छा, ये कितने दिन से? ये तो बहुत दिन से पड़ा है यहाँ पे, कोई देखता ही नहीं। नहीं, ये तो अभी किसको बोलना है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, जब हम दुकान में खाना खाने के लिए बैठते हैं तब ये बहुत इसका स्मेल आता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है यहाँ पे। ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आपको डर लगता है? बहुत डर लगता है, इसी रास्ते से चलते हैं ना यार, पूरा जितना सब लोग आता है आधा हॉस्पिटल को तो इसी रास्ता से जाता है। इसी रास्ते से हॉस्पिटल पर टिकट काटना हो, 2 रुपया को सोच नानी है बच्चा है सबको लेकर तो इधर से ही जाना पड़ता है। आधा आदमी तो इधर से जाता है, आधा आदमी तो उधर से जाता है, नहीं तो पूरा तो रास्ता से इधर से जाता है। दिक्कत तो बहुत होता है ना, अभी देखिए कितना गंद मार रहा है इतना ही देर में। आपने कंप्लेंट किया था? पानी पड़ेगा तो पूरा हम लोग को घर में दुकान में घुस जा रहा है पानी, इसका इस पर से जितना पानी पड़ेगा 15 दिन का है महिला पानी सब दुकान में घुस जाता है, फिर हम लोग को हाथ तो लगाना ही पड़ता है साफ करने के। डर लगता है उस समय? तो डर तो लगता है मगर करे तो क्या। आपका नाम क्या है? नाम सुनील गुरु। अच्छा, ये जो गार्बेज है ये उठाने का काम आप लोग ही करते हैं ना? हम लोग ही करते हैं। तो ये सारा लोगों ने कंप्लेन किया है कि ये बहुत दिन से इधर पड़ा हुआ है, आप लोग क्लियर नहीं कर रहे, इसका कारण क्या है? नहीं नहीं, हम लोग का अभी गाड़ी एक ही है, गाड़ी जो एक ही गाड़ी टोटल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर रहा है, जैसे कि कालिम्पोंग भी जा रहा है, बिजनबारी भी जा रहा है, मिरिक भी जा रहा है। अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है कि पहले जो वेस्ट जनरेट होता उसका डबल ट्रिपल जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो ये कोविड वेस्ट है आप लोग का जो जनरल वेस्ट है उसमें आपका ये जो यहाँ पर जो येलो बैग्स में जो पीपी किट्स है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो यहाँ पर है, जो उसमें आपका एक बैग में आपका मिनिमम आपका 10 to 8 डालने से ठीक होगा, तो यहाँ पर 4-5 में आप लोग का एक बैग पूरा फुल हो रहा है। तो यहाँ पर तो 4 डबल अभी जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल में, पहले तो इतना जनरेट नहीं हो, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तभी से यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ विभाग से बात नहीं किया कि ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है तो इसके लिए आप लोग कुछ अलग कुछ व्यवस्था कीजिए, इसलिए कि ये ऐसे खुला में रखना तो सही नहीं है? ये तो सही बात है आप लोग का, क्योंकि वो वेस्ट कॉमन कलेक्शन पॉइंट जो वैट है उसमें आप लोग का दो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, यहाँ पर एक जनरल वेस्ट हो रहा है जो वार्ड से जो वेस्ट निकल रहा है वो जनरल वेस्ट एक जनरेट हो रहा है, और दूसरा एक कोविड वेस्ट। कोविड वेस्ट में जितना भी हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट जो खाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जैसे कि पीपी किट्स निकलता है वो सब इतना जम गया है। नहीं, वो तो मैं समझ गया, ये तो मतलब
कोविड से ही संबंधित है। मेरा कहना ये है कि आप लोग जब ये इतना ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है तो आपने संबंधित विभाग से बात किया? हम लोग का हाई अथॉरिटी से हम लोग ने गाड़ी का डिमांड किया था, मीन्स प्रपोजल भी रखा था कि हम लोग का एक गाड़ी से नहीं होगा। देखिए एक ये छोटा वाला कंटेनर है बोलेरो, तो एक गाड़ी अगर हम लोग का पूरा हॉस्पिटल से हम लोग का सुकुना से लेकर आपका कर्सिंग हॉस्पिटल्स, सुनादा हॉस्पिटल्स, गुमटी भी हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और यहाँ पर जितना सारा लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होम है, उसको भी हम लोग कलेक्शन करना पड़ रहा है। तो वहाँ से तो आप कलेक्शन करते करते 50% तो हम लोग का गाड़ी में हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इतना वेस्ट जम गया है। नहीं वो तो ठीक है, आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने संबंधित विभाग से बात किया तो उन्होंने क्या आपको रिप्लाई दिया, जवाब क्या दिया? हम लोग ने तो जो हम लोग का, मैं तो अभी ग्रीन जोन का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं तो हाँ, ये तो आपका जिम्मेवारी है कि आपको उठा करके वेस्ट ले जाकर फेंकना है, ये ज़्यादा निकल रहा है आपका कहना ये है, तो संबंधित विभाग ने आपके उसको क्या बताया, आप लोग उन्होंने क्या कहा आपको, ये बताइए ना। सर तो यही बताएगी, अभी देखिए यहाँ पर जो ये वेस्ट जनरेटर एक गाड़ी से इतना सारा, अभी यहाँ पर 70 पैकेट डेली वेस्ट निकल रहा है। हम लोग का गाड़ी में मिनिमम आपका जाएगा, अगर दार्जिलिंग गाड़ी सीधा सिलगुड़ी से सीधा दार्जिलिंग गाड़ी यहाँ पर जाएगा तो आपका 150 to 130 पैकेट जाएगा। तो वहाँ पर डेली हम लोग का गाड़ी अल्टरनेटिव आता है, जैसे कि बीच में भी गाड़ी आया था, यहाँ पर पार्किंग का असुविधा है, यहाँ पर कभी कभी गाड़ी भी रख देता है, तो इसलिए हम लोग पार्किंग यहाँ पर लिफ्टिंग का नहीं कर पा रहा है। तो एक दिन दो दिन तो वैसा ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी आज मैनेजमेंट से बात करके दो गाड़ी लेकर आया कि हम लोग का, और एक गाड़ी है इकोमेट, बड़ा वाला इकोमेट, वो आप वीकेंड में नहीं आ सकता है क्योंकि वो बड़ा गाड़ी है, यहाँ पर जाम भी रहता है, तो इसलिए हम लोग को संडे का एक प्लानिंग, पहले एक संडे का प्लानिंग फिक्स किया था, तो संडे प्लानिंग में वो गाड़ी पूरा यहाँ पर लेकर इसको टोटल क्लियर कर। यहाँ पे लोगों का कहना है कि आपका गाड़ी रेगुलर नहीं आ रहा है। रेगुलर तो नहीं आ रहा है, रेगुलर तो इसका कारण क्या है? इसलिए कि आपका ड्यूटी है वो रेगुलर ले जाना, और ये जो वेस्ट है ये तो जनरल नहीं है, ये तो कोविड का है, तो कोविड को ऐसे फेंक के रखना ये कहाँ तक जायज है? हम लोग ने तो बताया है, मैनेजमेंट को भी बोला है, बहुत सारा प्रपोजल दिया है, तो इसलिए कि आज देखिए आज के डेट में कोविड से बचने के लिए अरबों रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है, और जो मेन जो चीज है वो आप लोग ऐसे खुले में रखेंगे, ये कहाँ तक उचित है? वैसा ही जनरेट हो रहा है, पहले तो उतना जनरेट नहीं हो रहा था, तो अभी तो वेस्ट जनरेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग का भी मैनेजमेंट को गाड़ी भी डेवलप नहीं किया। अभी तो देखिए कोविड, कोविड तो आज शुरू नहीं हुआ है, कोविड तो बहुत दिन से, लेकिन आप ही बता रहे हैं कि कोविड शुरू हुआ तब से वेस्ट बढ़ गया है। जी जी जी। तो इतना दिन तक मैनेजमेंट के साथ आप लोगों का किस तरीके से डील हो रहा है? जब आज पब्लिक निकल के जब कंप्लेन कर रहा है फिर आप लोग एक्शन ले रहे हैं, मैनेजमेंट क्या आपको बता रहा है ये हमको बताइए। हाँ मैनेजमेंट तो मैंने गाड़ी के लिए तो प्रपोजल दिया था, देखिए एक गाड़ी से नहीं होगा, एक आप समझिए कि एक गाड़ी, मैं बोल रहा पहले बोल रहा हूँ कि आपका जो गाड़ी आता है हम लोग का सिलगढ़ी से कलेक्शन करते करते, जैसे कि कर्सिंग हुआ, सेंटर हुआ, एक सुकुना BPHC हुआ, एक आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ पर, सोनादा PHC है वहाँ पर भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, और आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पर जितना सारा, 3 नर्सिंग होम है उसको भी कवर करना पड़ रहा है, तो छोटा छोटा डायग्नोस्टिक सेंटर आपका ये पोली क्लिनिक है उसको भी कलेक्शन करके हम लोग को वेस्ट कर रहा है। तो अभी इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग ने, मैंने ऑलरेडी मैनेजमेंट को ये प्रपोजल दिया है कि एक गाड़ी से नहीं होगा, गाड़ी हम लोग का यहाँ पर डेली चाहिए, तो गाड़ी हम लोग का पास गाड़ी, तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट को पूरा क्लियर करने के लिए। मैनेजमेंट आप लोगों को क्या बोला ये बताइए ना, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है आप लोग? हाँ मैनेजमेंट तो ये बोला था कि संडे, ये जो वीकेंड अब संडे का दिन में हम लोग एक इकोमेट है हम लोग का गाड़ी, बड़ा वाला गाड़ी, तो इकोमेट को डालकर इसको पूरा क्लियर करें, इससे आगे भी हम लोग एक इकोमेट लेकर आया था यहाँ पर, यहाँ 3-4 टॉप बोले वेस्ट ऐसा ही था तो अंदर में था, उसको पूरा क्लियर करा दिया। तो बोल रहा था कि संडे तो लेट होगा, और लेट होगा संडे, वो आज संडे आने में तो और टाइम लगेगा, और यहाँ पर वेस्ट मीन्स डिपॉजिट होगा, इसलिए हम लोग ने बोला आज दो गाड़ी लिया, एक उत्तर दिनाजपुर का गाड़ी आज हम लोग ने यहाँ दार्जिलिंग में डाइवर्ट करके, एक दार्जिलिंग का गाड़ी, एक उत्तर दिनाजपुर का गाड़ी डाइवर्ट करके दो गाड़ी हम लोग ने यहाँ पर आज लेकर आया लिफ्टिंग करने के लिए। अगर जितना हो सके आज जितना इतना गाड़ी में जितना जाएगा हम लोग उसको ले जाएंगे आज, और तो उसका ऊपर तो बांध कर तो नहीं ले पाएंगे वेस्ट को, इसका ऊपर में बांध कर तो नहीं ले जा पाएंगे, तो अंदर में जितना घुसाएंगे हम लोग उसको मीन्स वेस्ट को डालेंगे उतना ही हम लोग ले जाएंगे, कल भी हम लोग फिर इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।